समाजवादी पार्टी के नेता और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर सपा ने खुद को अलग कर लिया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा है, हम लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था उसके बाद उन्हें चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा था। BJP ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा पर भी जमकर निशाना साधा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव की चुप्पी को भाजपा ने हिंदू विरोधी बताया था। वहीं हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हजरतगंज थाने में तहरीर देते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए शिवपाल यादव सामने आए और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पलड़ा झाड़ लिया है। शिवपाल यादव ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि सपा के लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शिवपाल यादव ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान के आदर्शों पर चल रहे हैं? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, भाजपा के लोग भगवान राम को ही बेच रहे हैं। तो पार्टी के अभियान थोड़े हैं, हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने ने वहाँ कहा था, रब कुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।